हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारी कीबोर्ड प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं शाओमी फ़ोन की सेटिंग्स पे आकर शाओमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स इस तरीके से ओपन हो रहे हैं, तो हमें इसमें स्वाइप करना है। स्वाइप करते जो हमारे फ़ोन के ऑल आइकन्स इस तरीके से ओपन आते हैं, तो इसमें से आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स आइकन पर। क्लिक करते जो हमारी फ़ोन की सेटिंग से ओपन हो गई, इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी सेटिंग से ओपन हो गई है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शंस आ रहा है, इसमें जो हमारा ऑप्शंस आ रहा है कनेक्शन एंड शेयरिंग, सॉरी इस पर गलत कर दिया हमने। इसमें से आप क्लिक कर देना है ऐप्स पे। तो जो हमारी कीबोर्ड प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करना चाहते हैं, तो इसमें से आप क्लिक कर देना है ऐप मैनेजिंग ऐप्स पे। तो यहाँ से जो हमारा जी बोर्ड का ऐप्स है आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं जी बोर्ड ऐप्स को। यहाँ पर जी बोर्ड के नाम से लिख दोगे आप, जी बोर्ड ऐप्स आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो जो हमारी जी बोर्ड सेटिंग से ओपन आती है, तो जो भी हमारी कीबोर्ड प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करना चाहते हैं, तो हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। तो जो भी डाटा होता है कीबोर्ड का हम उसको यहाँ से क्लियर कर देंगे। क्लियर करते ही जो हमारी कीबोर्ड प्रॉब्लम है हमारे फ़ोन में ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार फ़ोन की सेटिंग्स पर आकर कीबोर्ड प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं शाओमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक